चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द वायर इज कैपिटल आर, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल एंड वुड बी, टू डायगोनल एंड के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, इन दो के बीच में इक्वलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, डायगोनल है ये, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं कैपिटल आर मानूं, ये सभी वायर्स की, ये भी आर, 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 और कुछ छूट गया, ये भी आर, ठीक है, सब हो गए, ठीक है ना, हाँ उसको भी कहते हैं, उसके भी आर हो गया, ठीक। तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं आर। तो ध्यान से देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उसमें सिमेट्री होगी। सिमेट्री कैसे, जैसे इधर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये पॉइंट है, जंक्शन है, जंक्शन के तीनों एंड में रेजिस्टेंस सेम है ना, सेम, तो सिमेट्री हो गई ना, आर आर आर। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप जो भी सर्किट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको तुरंत एक सेल या बैटरी लगा देनी, सेल और या बैटरी आपको लगा देनी। जैसे यहां पर एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, ये मैं कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से जो करंट निकलेगी, जैसे मान लो आई एम्पीयर की करंट चली, ठीक है ना, आई एम्पीयर की करंट चलेगी और ये डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इधर आई बाई थ्री जाएगी, तीन पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई थ्री, और इधर भी आई बाई थ्री जाएगी, करेक्ट है। और इस तरह कॉन्टिन्यूसली यहां पर जब ये करंट पहुंचेगी आई बाई थ्री, तो यहां दो रास्ते हैं, एक इधर एक नीचे जा रहा है, तो फिर से सिमेट्री, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, या आई बाई थ्री, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो आई बाई थ्री का हाफ इधर जाएगा, आई बाई थ्री का हाफ का मतलब आई बाई सिक्स इधर जाएगा, आई बाई सिक्स नीचे जाएगा, करेक्ट है। सिमिलरली जो करंट इधर से आएगी यहां पहुंचेगी, यहां पर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आई बाई सिक्स इधर आ गई, आई बाई सिक्स इधर चली गई। सिमिलरली इधर जो आई बाई थ्री आ रही है, वो अब यहां पहुंचने के बाद आई बाई थ्री, आई बाई थ्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आई बाई सिक्स इधर हो गई, आई बाई सिक्स इधर चली गई, ठीक है, ध्यान दो, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स इधर चली गई, तो सब मैंने डिवाइड कर लिया। अब आई बाई सिक्स जो इधर जा रही है करंट, और इधर से भी तो आई बाई सिक्स आ रही है, इधर और इधर से, तो आई बाई सिक्स जंक्शन पे आ रही है, जंक्शन लॉ लगाएंगे तो आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, इधर से भी आई बाई सिक्स आ रही है, इधर से भी आई बाई सिक्स आ रही है, तो इधर से कितनी करंट जाएगी, आई बाई थ्री करंट जाएगी, आई बाई थ्री जाएगी, इधर से आई बाई सिक्स आ रही है, इधर से आई बाई सिक्स आ रही है, दोनों मिलकर कितनी हो गई, आई बाई थ्री हो गई। सिमिलरली आई बाई सिक्स मिलकर फिर से आई बाई थ्री हो गई, तो आई बाई थ्री इधर से आ रही है, आई बाई थ्री इधर से आ रही है, आई बाई थ्री इधर से आ रही है, तो टोटल करंट आई करंट यहां से निकलेगी। अब इसमें करना क्या है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर कर लो वी है, और जो सेल से बैटरी, बैटरी से करंट निकल रही है उसकी वैल्यू आई है। तो जनरली पूरे सर्किट के लिए जब भी ओम्स लॉ आप लगाते हैं, वी टी इज इक्वल टू आई टी इन टू आर टी हम यूज करते हैं। आर टी का मतलब क्या होता है, आर टी का मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस ही तो होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, और टोटल करंट सर्किट से जो निकल रही है, यानी बैटरी से जो निकली वो आई है, ठीक है। तो यानी V अपॉन I अगर आप निकाल लें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा पूरे सर्किट का, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक लॉजिक मैं बता रहा हूं। ये जो बाहर बाहर वाला पोर्शन है ना, इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो, और V अपॉन I की वैल्यू निकाल लो, राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस के साथ वो पूरी पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे मैं मान लेता हूं पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, मैं यहां से चलता हूं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से चलते हैं, निगेटिव टर्मिनल से चलते हैं पॉजिटिव की तरफ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव माइनस वी होगा, माइनस वी, ठीक है। यहां पहुंचे, यहां के बाद ये बाहर वाले लूप में हम चलेंगे, बाहर वाले इधर उधर कॉर्नर वाले से निकल के वापस आएंगे। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, ऐसे आए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, माइनस वी हो गया, फिर उसके बाद से इधर चले, इधर से यहां पहुंचे, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लेकिन इसके बाद यहां इधर चले, यहां रेजिस्टेंस आर है, तो यहां से करंट कितनी है, आई बाई थ्री, तो करंट की डायरेक्शन है तो प्लस आई बाई थ्री इंटू आर, ये हो गया। यहां पहुंचे, यहां के बाद इधर चलोगे
ये भी करंट के डायरेक्शन में आई बाई सिक्स इंटू आर, उसके बाद यहां पहुंचने के बाद फिर ये नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो फिर से करंट के डायरेक्शन में आई बाई थ्री इंटू आर, उसके बाद से यहां होते हुए फिर ये निगेटिव में पहुंच जाओगे यानी जीरो। तो माइनस वी प्लस सिक्स एलसीएम कर दें हम तो टू आर प्लस टू आई आर प्लस वन आई आर, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ठीक से लिखते हैं, टू आई आर प्लस आई आर प्लस टू आई आर इक्वल टू जीरो, ये सिक्स है, माइनस सिक्स प्लस फाइव आई आर अपॉन सिक्स इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हो वी इक्वल टू, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर लेफ्ट साइड में लिखता हूं, वी इज इक्वल टू फाइव आई आर अपॉन सिक्स, आई को इधर भेज दो, वी अपॉन आई इज इक्वल टू फाइव आर बाई सिक्स, ये हो गया। तो मैंने क्या बोला था, v अपॉन i निकाल लो, जो राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो इक्वल रेजिस्टेंस होगी, तो 5 बाई 6 इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाई 6 आर, कौन सा ऑप्शन सही है, 5 बाई 6 आर, ये वाला b वाला ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।